इसमें शिव जी के मंदिर के जस्ट ऊपर जो मंदिर की गुम्बद है यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। टाइम 8 की वायरल वीडियो की पड़ताल, जयपुर के मंदिर में मस्जिद विवाद का खुलासा। टाइम 8 की टीम ने किया खुलासा। जयपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर नमाज अदा की जा रही है, पर सच्चाई कुछ और ही है। सच जानने के लिए टाइम 8 की टीम ने वायरल वीडियो की परतें उधेड़ने शुरू की तो पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों ने वर्षों पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने इन लोगों की पहचान कर ली है और अब इनके खिलाफ कार्यवाही की तैयारी में है। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्थित है, बरसों पुराना मंदिर है, उसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर झूठे तथ्य और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिनका उद्देश्य झूठी और भ्रामक जानकारी के आधार पर समाज में जो वातावरण है उसको दूषित करना है। वास्तविकता ये है, जो वो सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। वास्तविकता ये है कि बड़ी चौपड़ पर स्थित जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो कम से कम 250-300 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर के स्वरूप में, उसके परिसर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई नया कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं हुआ है, तथा निर्बाध रूप से इस मंदिर में जो परंपरागत रूप से पूजा सेवा जिस प्रकार से की जाती रही है भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा, वो अनवरत उसी प्रकार से जारी है। इस मंदिर का प्रबंधन देवस्थान विभाग के पास है, उनके द्वारा नियुक्त वहां पर पुजारी है, सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है जैसा वर्षों से किया जा रहा है। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दूसरे धर्म के लोग, उनको इंगित करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने आकर के यहाँ पर कुछ चेंज किया है, परिवर्तन किया है, तो वो बड़ा स्पष्ट है। आप स्वयं भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इस बारे में जो भी बात की जा रही है वो गलत है, उनते भ्रामक है। मंदिर परिसर के बाहर, मंदिर परिसर के बाहर एक कोने में एक ज्योत जल रही है, बहुत दिन से जल रही है। उस जगह पर सभी धर्मों के लोग, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी कुछ लोग जाते हैं, और जाकर के वहां पर सिर्फ एक माथा टेकते हैं या कोई मन्नत मांगते हैं, इससे ज्यादा वहां पर अन्य कोई धार्मिक क्रियाकलाप संपादित नहीं किए जाते। इसको लेकर के जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो माहौल खराब करने की कोशिश किया कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के विचित्रेश्वर शंकर भगवान विराजमान हैं। इनका पूजन अर्चन वैदिक परंपरा से आज भी हो रहा है। इस प्राचीन मंदिर की छत पर एक ज्योत जल रही है, जहां मन्नत मांगने सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं। पिछले काफी समय से एक भ्रमक एवं तथ्यहीन वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसकी सच्चाई उतराने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। ये कौन सा मंदिर है? ये विचित्रेश्वर महादेव मंदिर है। ये रानी विचित्र कुमारी ने मंदिर को बनवाया था, इसलिए इसका नाम विचित्रेश्वर महादेव है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ज्योति कहाँ है। और पहले भी यहाँ ज्योति जलती आई थी और आज भी ज्योति जल रही है, सभी धर्म के लोग आके दर्शन करते हैं, वैसा कोई यहाँ इस तरह का कोई विवाद नहीं। उस दिन जो एक वीडियो बना था, लोग कह रहे हैं कि उस दिन लोग नमाज पढ़ रहे थे। पिछले कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें अन्य धर्म के लोग पत्थर देखने के लिए आए थे, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं की जाती है। जय श्री भंडारायण। टाइम 8 की वायरल वीडियो की पड़ताल में मंदिर पर मस्जिद बनाने का वीडियो झूठा पाया गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही फेसबुक पर टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। We'll be right back.